हेलो यूट्यूब नेशन। तो यार आज चल रहा था 1v1 एक हैकर के साथ। अब ये हैकर है या नहीं ये तो जब आप पूरी वीडियो देखेंगे जब ही पता चलेगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स आपको स्लोमो में करके दिखाई है जिससे क्लैरिटी मिले और पता चले कि बाहुबली को कटप्पा ने कैसे मारा, क्यों नहीं मारा, कैसे मारा। क्यों का रीजन तो मुझे पता है, क्योंकि इसके चुन है यार हैक लगाने की। यार दो टाइप के हैकर होते हैं, एक तो वो जो हैक लगाते हैं और शेकी मार के चुप चले जाते हैं, और दूसरे होते हैं इन जैसे। एक तो हैक लगाते हैं फिर शेकी भी मारते हैं और फिर चार गाली भी देते हैं, वो भी बिना मतलब के। भाई तुम थोड़े से डीके बॉस हो क्या? तो वो भी ठीक है। फिर ये आते हैं लॉबी में लेके आते हैं अपने दोस्त, फिर हमें भी कुछ लोगों को ऐड करना पड़ता है, फिर इनकी आपस में चलती है गैंग वॉर। भाई बुआ फूफा चाचा चाची ना मेरा किस किस की गाली देते हैं, वो गालियां जो आज तक मैंने सुनी भी नहीं है। पता नहीं फिर क्यों अपने आप ही मेरे बैकग्राउंड में वो गाना बजने लगता है, अर्जुन वैली। अरे तुम लोग हो इतने प्यारे, लव यू तुम सबको। यार ये जो टैलेंट है ना जो इस बंदे ने अभी दिखाया है यहाँ पे, मतलब जो दिखाएगा जिगलिंग शफलिंग और पता नहीं क्या क्या, भाई ये मुझे भी सीखना है, मुझे भी सिखाओ यार। कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम ही ठीक से नहीं खेल रही हो, तुम्हारी गोलियां कनेक्ट नहीं हो रही है। अरे यार वो है हैकर, माना कि मैं प्रो नहीं हूँ, मेरे पास स्किल्स नहीं है, पर यार इतनी बुरी तरीके से तो नहीं हारती मैं। तुम ये वाला सीन देखो, ये भी मैंने स्लोमो में करके दिखाया। मतलब यार इस बंदे की गोली ना कुछ गलत ही कनेक्ट हो रही है भाई। ये देखो कसम से बता रही हूँ यार, तुम लोग भी इस चीज से रिलेट कर सकते हो। मतलब यार जब कोई हैकर आता है ना तुम्हारी बुद्धि चटक जाती है यार बहुत ज्यादा, फिर तुम अंधाधुन खेलने लग जाते हो, मतलब खुले सांड की तरह कि आ बहन मुझे मार। यार मैंने डिसाइड किया मैं खुला सांड नहीं बनूं, भाई मैं बनूंगी बिच्छू। देखो यहाँ पे मैं मरी अपनी गलती की वजह से, मुझे नहीं पता क्या कर रही थी, क्या चल रहा था मेरे दिमाग में उस टाइम। मैं यहाँ पे मुझे नहीं पता यार मैं क्या कर रही थी, यहाँ तो खैर मैं अपनी गलती की वजह से ही मरी। यार यहाँ पे मेरा दिमाग और भी ज्यादा खराब हो चुका था। एक तो पता था कि एक तरफा गेम चल रहा है, अब एक तरफा मोहब्बत हो या गेम दोनों ही बेकार होते। फिर मैंने कहा चलो जानबूझ के मर जाते हैं, बस यार इससे तगड़ा एक्सक्यूज नहीं था मेरे पास तुम्हें देने के लिए। पर ट्विस्ट की बारी, आय हाय इतना सुकून। पर मैंने कहा था ना एक तरफा मोहब्बत हो या गेम दोनों ही बेकार होते हैं, चार दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। अब देखो चमका दिया ना इसने मुझे वापस, अरे अभी चमका देगा, अरे बस चमका दिया, अरे लो भाई चमका ही दिया। मैं अपनी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को पॉकेट में डालते हुए वापस से जाती हूँ अपनी शक्ल बिगड़वाने। अब मैंने समझदारी के साथ ये डिसीजन लिया कि मैं पूरा TPP लेके खेलूंगी, पर यार ये तो कुछ गलत ही है भाई, मतलब क्या चल रहा है ये। तो यार देखो कैसा साड़ा मलाइका रोड़ा की तरह जा रहा है। यार अब मुझे अपनानी पड़ेगी स्ट्रेटजी, अब तो ये ऐसे ही भरेगा भाई। चलो कोई नहीं, अभी मैंने स्ट्रेटजी अपनाई नहीं है, अब मैं वापस आई हूँ, अब मैं वापस से अपना दिमाग लगाऊंगी। चलो भाई कहाँ गया ये, हाइड एंड सीक, कोई बात नहीं। आई स्पाइस उर्फी जावेद के बदन पे कपड़े होते हैं उतनी मेरी हेल्थ बची है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ से स्लोमो क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि भाई तुम देखो यार मैं कैसी बुरी मौत मर रही हूँ भाई। तुम ही बताओ गाइस छोड़ दिया जाए या जान से मार दिया जाए, क्योंकि बुलडोजर लेके तो पहुंच ही नहीं सकती इसके घर। फिर गया, फिर हमने रिपोर्ट मार दी क्योंकि बाकी दिन हमारे बस की नहीं थी। एक बार को ना नोक बन के जी लेना, पर कभी हैकर मत बनना, नहीं तो जो मेरे जैसे प्लेयर है ना, मेरे जैसे प्लेयर तुम्हारा पता क्या हाल करेंगे, जो इसका हाल किया है भाई रिपोर्ट मार दी, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। अब देखो ये खेल रहा है मेरे साथ पकड़म पकड़ाई, इसे ये नहीं पता बचपन में सबसे ज्यादा जिस गेम से मुझे नफरत थी ना वो यही गेम था। भाई हाइड एंड सीक खेलो यार, क्या कर रहे हो तुम। भाई तो नाराज हो गए, यार मुझे पता होता तुम ऐसे मार दोगे मुझे हाइड एंड सीक में तो मैं तुम्हारा ही वाला गेम खेल लेती। यार अगर तुम अभी तक यहाँ टिके हुए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अब यार तुम खुद ही देखो ये हैकर नहीं है क्या, ये कौन भी क्या है फिर। मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है, पता है क्यों, क्योंकि वो सामने से बोल रहा है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम गेम एग्जिट कर दो। पर यार वही है ना अपनी एक तरफा मोहब्बत है इस गेम से, मैं बर्बाद होना चाहती हूँ क्योंकि यार गेम तो एग्जिट कर नहीं सकती क्योंकि उसमें और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल बेइज्जती भाई।
मैं अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और बर्बाद दिल को लेकर वापस आती हूँ और ये एज यूजुअल मुझे मार देते हैं क्योंकि ये डीके बोज हैकर है। अर्नी चॉपलिन ने कहा है कि तुम्हें पावर की जब भी जरूरत होती है जब तुम्हें किसी को नुकसान पहुंचाना हो, नहीं तो हर काम होने के लिए प्यार ही काफी है। अब मैं बताऊँ इन जैसों के लिए कहाँ से प्यार लाऊं भाई। अपनी पर तुम लोगों को लव यू एयर ड्रॉप भर के, बाकी ही एंड शी प्लेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।